माननीय सेक्रेटरी साहब, माननीय विद्यार्थी अरविंद शर्मा जी, माननीय भारतनाथ जी, माननीय एमएलए साहब लखनऊ जी, मंत्री पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, यहां आए नाटे की सरकारी बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों, दोस्तों, उन्होंने यहां का ये प्रोग्राम आयोजित किया है। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि यहां केवल आपको हम लोग से क्या लेकिन इतनी भारी तादाद के अंदर आपकी उपस्थिति यहां पर सुनिश्चित करेगी। साथियों, मैं विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहा और कोई कैंडिडेट अपना हल्का छोड़ के नहीं आना चाहता, लेकिन कुछ पार्टी की वजह से और कुछ गडकरी जी की वजह से जिनके प्रति मेरा बड़ा ज्यादा प्रेम है, मैं यहां के बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग का समर्थन मांगने के लिए आया हूं। नितिन गडकरी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार के अंदर मंत्री हूं, लेकिन एमएलए के तौर के ऊपर मुझे 20-22 साल हो गए। एमपी के तौर पर एमपी के तौर के ऊपर मुझे 22 साल हो गए हैं और अनेक सरकारें मैंने देखी है। एमएलए के तौर पर भी देखी है, बीजेपी के तौर के ऊपर भी बीजेपी बैठक भी देखी है, चाहे वो आपके 50 साल के हो, चाहे वो चंद्रशेखर साहब की हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की हो, और चाहे आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो, पर मैंने 20 साल के अंदर कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जिसके चाहे ऑपोजिशन वाले हो, चाहे पार्टी वाले हो, जो किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ ना करते हो। सबका काम नितिन गडकरी ने किया और आप डेवलपमेंट के तौर के ऊपर अगर हम रहे गए करके और वोट मांग रहे हैं तो मोदी सरकार की वजह से और इनकी सरकार के जो मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, इनकी वजह से हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। जो मंत्री मेरे जिले के अंदर आए और मैं उपस्थित ना हूं, ये गलत था। नितिन गडकरी जी बिना जिला अधिकारी है, इस क्षेत्र से पहली बार एमएलए का जब इलेक्शन लड़ा था तो कोसली शायद सारा राज के अंदर थी, मेरा का आधा जो है वो चाटू सामा स्टाफ नियुक्त किया गया, अब कोसली का लिया है। आपका यहाँ के बाशिंदे के तौर के ऊपर और सबसे पहले यहाँ का बना हुआ एमएलए के तौर के ऊपर मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम सब वोट मांग रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम मांग रहे हैं। मोदी सरकार 10 साल से हमारे देश के अंदर शासन चला रही है और हरियाणा के अंदर जो 4 डेवलपमेंट के लगे हैं वो किसी के छुपे हुए नहीं है। अगर कोई अंधा हो तो बेशक उसको दिखाई दो, जब उसके भी अंधा होता है तो देखना नहीं चाहता। 152 जी का यहाँ से जिक्र हुआ, 9,000 करोड़ रुपए का अंबाला देने के लिए नाना चौधरी का तुमने हाईवे बनाया है, किसने बनाया है? मोदी सरकार ने बनाया है और उनके महकमे ने नितिन गडकरी के महकमे ने बनाया है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे 1,00,000 करोड़ का दिल्ली से लेकर के गुड़गांव होता हुआ, राजस्थान होता हुआ और बॉम्बे जा रहा है, वो किसने बनाया? मोदी सरकार ने बनाया, नितिन गडकरी के महकमे ने बनाया। पहाड़ी के अंदर कुछ दिन पहले जो एक्सप्रेस वे लौटने का बना गया था वो किसने बनाया? वो मोदी सरकार ने नितिन गडकरी ने बनाया। साथियों, देखने वाली चीज है, आज के दिन आप लखनऊ जाओगे, आप चंडीगढ़ जाओगे और कहीं पर भी आप हरियाणा के अंदर जाओगे, आपकी गाड़ी घोड़ों के ऊपर सड़क दौड़ती है। ये मोदी सरकार के डेवलपमेंट का एजेंडा है और क्या डेवलपमेंट जाती है मोदी सरकार? हमारे इलाके के जब बच्चे वोट देने लायक हो, 2047 के अंदर देश एक विकसित देश कराया जाए, उसके लिए आज के दिन आप लोगों ने
सहयोग मांगने के लिए मैं भी उपस्थित हुआ हूँ और मेरे साथी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों कि इस सरकार के आने के उपरांत हमारे कुत्ता क्या नहीं, सबसे पहले कोटनी वालों तुम्हारे से मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा सैनिक अगर हरियाणा के अंदर या पूर्व सैनिक हरियाणा के अंदर किसी कस्बे के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर है तो वो कोटनी के अंदर है। तो कितने कॉन्फ्रेंशन नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहां पर आने के बाद पंचायत पेंशन दिया, किसने दिया? जो रोहतक जाया करते थे, जो दिल्ली जाया करते थे, या तो भागलपुरी करा करते थे, किसने एम्स दिया? मोदी सरकार ने एम्स दिया और बड़ी मशक्कत के बाद दिया। तो ये कई बात ऐसी बाधाएं भी इसके अंदर पड़ गई थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद एम्स हमारे को मिलेगी। कितने इंसान थे हिंदुस्तान के अंदर जिनको एक ही नसीब नहीं हुआ और हमारे यहाँ पहले से ही कैंसर का एक इलाका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भाषा के अंदर भाषा में रखनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को भाजपा के अंदर भारत सरकार ने एक एम्स प्रदान किया। 4,000 स्थायी नौकरियां, 15,000 स्थायी नौकरियां, ये सारी की सारी आप लोगों के क्षेत्र के लोगों के इतनी मदद की जाएंगी। और इसके अलावा जो वहां पर धंधा करेगा 20,000 नौकरियां उनको भी मिलेगी। आज के लिए डेवलपमेंट का दूसरा एजेंडा है। तीसरी बात डेवलपमेंट के एजेंडे के बाबत में कहना चाहता हूं ये है कि मैं मनमोहन सिंह सरकार के अंदर भी जाकर के देखा था कि वहां पर भी मंत्री था हमारा डेडिकेटेड रेल ब्रेक कॉरिडोर जिसका आज के दिन लोग सोचते नहीं है, लेकिन 2,000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी सरकार ने आज के दिन जो डेडिकेटेड रेल ब्रेक कॉरिडोर सुनिश्चित किया है। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम केवल 25,000 रुपया इसके ऊपर लगा हुआ था, आज के दिन 1,77,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च करके मुंबई तक का डेडिकेटेड रेल ब्रेक कॉरिडोर आज के दिन स्थापित हो चुका है। साथियों लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके दिन मैं ये कह सकता हूं कि आज आपके हल्के के अंदर इतना महत्व मिल रहा है शायद ही किसी और हल्कों में शामिल रहा होगा। कौन सा नेता है आदर नहीं आया आपके बीच के अंदर, सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी सारे के सारे नेता आपके बीच के अंदर आए थे। क्या खासियत है कि भाई आपकी धारणा फैसला है, मैं आपके बीच के अंदर आपके लिए कहना चाहता हूं कि अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आने वाले समय के अंदर आप ये चाहते हैं कि 2047 के अंदर हमारा देश विकसित हो, तो मोदी सरकार को दोबारा से मौका देना चाहिए। और उसका संख्या एक ही है, कमल कपूर और कमल कुमार हिंदू जिसके हाथ के अंदर है, अरविंद शर्मा के हाथ के अंदर है। नीट IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्थान में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, GLED, CAC, PT, NDA, सैनी स्कूल और मिड्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बना के चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।